नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, प्रमुख आईसीआर श्री सिद्धगिरी कृषि विज्ञान केंद्र कनेरी मठ। जैसा कि हम सभी को पता है कि 20 से 26 फरवरी 2023 पंच महाभूत लोकोत्सव कार्यक्रम यहां आयोजित किया जा रहा है। श्री सिद्धगिरी कृषि विज्ञान केंद्र का इस पंच महाभूत लोकोत्सव कार्यक्रम में बहुत ही बड़ा रोल होने जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से दो प्रमुख कार्यक्रम यहां किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मध्य में एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो केवल प्राकृतिक खेती पर आधारित है, और दूसरा एक यहाँ 6 दिन के अंदर एक पशुपालन प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को बीच में प्राकृतिक खेती का व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है, तो कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत बड़ा रोल है। जो कृषि विज्ञान केंद्र अपने फार्म पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच में इस कार्य के बारे में बता जा सके। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हमने 2 एकड़ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम ये हमने रखा है इस पंच महाभूत लोकोत्सव कार्यक्रम में है। ये 2 एकड़ के फार्म में हमारे पास 126 फसलें हैं जो यहाँ के इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग जो वायबल हैं। 126 में से करीब 180 प्रकार की यहाँ ये हमारी वैरायटी वाइज फसलें हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में लगभग 85% लघु एवं सीमांत कृषक हैं, जिनके पास जमीन 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। जो एक आज के दौर में उत्पादन लागत जो बढ़ रही है, उसके अंत में जो उसका नेट प्रॉफिट है वो कम होता जा रहा है। इसलिए भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि कम से कम उसकी उत्पादन लागत में अधिक उत्पादन उसको लिया जा सके। क्योंकि भारत सरकार भी केमिकल फर्टिलाइजर पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए एज ए सब्सिडी देती है, जिससे अगर हम विदेश में पैसे को जाने से रोक सकते हैं तो उसमें प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत एक देशी गाय पर आधारित हम उसके मूत्र और गोबर से जो विभिन्न प्रकार के हम बनाते हैं इनपुट, वो इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में ही खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पूरी तरीके से हमारा ये प्लॉट तैयार है, जो 20 से 26 का जो हमारा फार्म फेयर किसान मेला जो आयोजित किया जा रहा है, कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें, जैसा कि हम सभी को पता है कि 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में भी भारत सरकार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने भी लगभग 10 से 12 प्रकार की मिलेट्स इस प्रोग्राम में इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में रखे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको श्री अन्न के नाम से भी पुकारा है, क्योंकि श्री अन्न है, तो इसमें हम मिलेट्स मोटे अनाज का वर्ष ही हमारा है। तो हम इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के मध्य में हम कम उत्पादन लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक छोटी एक रूमर भी होती है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन करने पर उसका जो टोटल उत्पाद है वो कम होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कम उत्पादन लागत अधिक उत्पादन, और जो मार्केट में उसका जो कमोडिटी होती है उसका रेट है वो भी 10 से 15% इसमें ज्यादा मिलता है। तो ये एक छोटे लघु सीमांत किसान के लिए प्राकृतिक खेती एक वरदान साबित हो सकती है, जिसमें भारत सरकार भी भिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ भी दे रही है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट के माध्यम से जो यहाँ किसान आएंगे, लगभग 7 दिन के कार्यक्रम में 20 से 25 लाख यहाँ किसान आने वाले हैं, जिसमें गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देश भर का पूरा सभी आएंगे, लेकिन 3-4 राज्यों से किसानों की ज्यादा इसमें आने की वो है। तो हमने ये 2 एकड़ का जो प्लॉट है पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती पर आधारित ये बनाया है, और हमारी ये ज्यादा से ज्यादा सभी किसानों के लिए वो रहेगी कि यहाँ किसान यहाँ से आए, देखें और यहाँ से ये सीख के जाएं और अपने खेत पर जाकर इस चीज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इसको एडॉप्ट करें। ऐसा हमारा इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के माध्यम से ऐसा हमारा मानना है, और हम ऐसा लगता भी है, क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिन के दौरान भी अच्छे लोग आए तो बाकी आके देखते हैं, तो बाकी उन्हें विश्वास नहीं होता है क्या ऐसा संभव है, लेकिन यहाँ ये है। तो हमें ऐसा है कि जहाँ लोग आएंगे, अगर 10 से 15% भी लोग इस चीज को अडॉप्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, और हमारे देश के विकास में हमारे जो प्राकृतिक खेती उत्पादित जो किसान हैं उनके लिए भी और देश के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होने जा रहा है। और ये मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम के माध्यम से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम प्लॉट का ये बहुत ही एक वरदान साबित होने जा रहा है, ऐसा मेरे कृषि विज्ञान केंद्र की सभी पूरी टीम का ऐसा मानना है। धन्यवाद।